आज राजस्थान के शेरगढ़ में रहने वाले प्रभु सिंह का जन्मदिन है। दोस्त उन्हें बधाई देने वाले थे, परिवार वाले फोन पर बर्थडे विश करने वाले थे, लेकिन जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। माछल सेक्टर में जो हमला हुआ उसमें 3 जवान शहीद हुए और उसमें से एक प्रभु सिंह भी थे। प्रभु सिंह की 2 साल पहले शादी हुई थी और उनकी एक बच्ची भी है। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। परिवार में अकेले कमाने वाले थे प्रभु सिंह। प्रभु सिंह के पिता 18 साल पहले सेना से रिटायर हुए थे, जिसके बाद 4 साल पहले प्रभु सिंह ने सेना ज्वाइन की थी। प्रभु सिंह 57 नेशनल राइफल में तैनात थे। 2 साल पहले शादी और 8 महीने की बच्ची। सिर्फ प्रभु सिंह ही नहीं, माछल सेक्टर में पाकिस्तान की कायराना हरकत में राष्ट्र राइफल्स के 2 और जवान भी शहीद हुए। इनमें से एक शहीद के शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। माछल सेक्टर में जो जवान शहीद हुए वो 3 राष्ट्र राइफल्स से थे। इनके नाम भी आपको जानने चाहिए। इनके नाम गनर मनोज सिंह कुशवाहा, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। शहीद होने वाले दूसरे जवान का नाम शशांक कुमार सिंह। 25 साल के शशांक भी गनर के पद पर थे और वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ही रहने वाले थे। शहीद होने वाले तीसरे जवान प्रभु सिंह राजस्थान के शेरगढ़ के रहने वाले थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने प्रभु सिंह के शरीर के साथ अमानवीय हरकत की। जाकर के आर्मी में दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ और उनसे बदला लेने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है ना। मैं अभी भी जाकर के उसी पोस्ट पे लड़ सकता हूँ, अभी भी मेरे में हिम्मत है। मैंने खो दिया मेरा एक दोता बेटा। सेना में अच्छा लगता है, सेना में हम भर्ती हूँ देश की रक्षा करें, और काम में करने में भी तात्पर्य था। जो भी काम सोचता है, कोई सोचता था करने के लिए, तब तक वो कर देता था। वो काम करने में बहुत लीन था, उसकी मेहनत बहुत काफी था। हमले में शहीद हुए गनर मनोज सिंह के घर में भी मातम पसरा हुआ है। रो रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का। हमारे बेटे की पोस्टिंग हरिद्वार में थी, वहां से जो है जम्मू आर में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद जो है कल सूचना मिली कि सीओ से कि आपका लड़का शहीद हो गया, और क्या देश के लिए जवान शहीद हो जाएगा, दुख तो बहुत ही है, क्या कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान बार बार माछल पर हमला क्यों करता है। पहाड़ी इलाका है माछल और यहाँ पर जंगल है, घना जंगल है, तो इसीलिए आतंकियों के लिए छिपना यहाँ बहुत आसान हो जाता है। कई छोटे नाले हैं और इसीलिए घुसपैठ आसान हो जाती है। मौसम और जिस तरह से इलाके की बनावट है उसकी वजह से यहाँ खतरा ज्यादा रहता है। फेंसिंग LOC से बहुत पीछे है, इसीलिए भी खतरा ज्यादा है। भारी बर्फबारी में हर साल यहाँ जो फेंसिंग तैयार की गई है वो टूट जाती है, और इसीलिए घुसपैठ आतंकियों के आसान हो जाती है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए शहीद शशांक के गांव नसीरुद्दीनपुर से मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनगर से जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हैं और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है GD बख्शी आपका, लेकिन सबसे पहले हम विशाल का रुख करना चाहेंगे। विशाल, आज की सुबह निश्चित तौर पर बहुत अच्छी नहीं होगी, पूरा परिवार मातम में होगा, पूरा गाँव मातम में होगा। इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप विशाल, वो तस्वीरें जरा हम तक पहुँचाइए। बिल्कुल पूर्णिमा, शशांक के गांव में इस वक्त मातम फैला हुआ है। गांव के और आसपास के जो लोग हैं वो शशांक सिंह के घर पे आए हुए हैं और यहां सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि शशांक सिंह की बॉडी अभी यहां नहीं पहुंची है, लेकिन जो इनके शुभचिंतक हैं, जिन लोगों ने सुना है आसपास में, वो लोग सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर इनके पिताजी शशांक सिंह के बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपसे आखिरी बार बातचीत कब हुई थी शशांक की? शशांक साहब से 8 अक्टूबर का बात है। 8 अक्टूबर को जी। तो हमने पूछा कि बाबू का समाचार है, कहा पापा चिंता मत करना, बहुत सही, बहुत ठीक से हैं। हाँ, उसके बाद कोई बातचीत? कोई बात नहीं, हमसे फिर परिवार में बात हुआ, हमसे नहीं हुआ जी।
आपने देखा लोग आपके पास आकर, तमाम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, आपके आपके बेटे ने जो शहादत दी है देश के लिए उसकी हर कोई सलामी दे रहा है। आप अपने बेटे की जो शहादत है उसे कैसे देखते हैं? गौर के साथ कि हमारा लड़का जो है देश के लिए शहीद हुआ है और उसकी शहादत जो है भूली ना जा सके। पाकिस्तान को जो है इसका जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, यही तमन्ना है। अब अधिक क्या हम कहें। तो आपसे कुछ और बातचीत हुई थी आर्मी में जाने से पहले जब उस सेना में जा रहे थे, किस तरीके का उनका व्यवहार था, किस तरीके? वो जो है बीए सेकेंड ईयर में था, उससे पहले ही जो है उम्र हो गई, मतलब बीए सेकेंड ईयर में उसका उम्र हो गया, तो कहा कि पापा हम जाएंगे भर्ती होने के लिए। हमने कहा कि भाई ग्रेजुएशन कर लो, नहीं किया, कहा कि नहीं फार्म हम भरा था जाकर, पहली बार में भर्ती हो गया। देशभक्ति की भावना उनके अंदर देशभक्त भैया ठीक है, कोई बात नहीं, बदला ले रहे हैं, ले लेंगे ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्मी के लोग पहुँचे हुए हैं अभी शशांक सिंह के घर पे, जो अभी यहाँ पर आए हैं, इनको पूरी जानकारी दी है। इनके भाई यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। 8 अक्टूबर को आपकी आखिरी बार बातचीत हुई थी शशांक सिंह के बारे में, हमें बताएंगे किस तरीके के वो व्यक्तित्व थे। अब क्या बताएं सर कि क्या उनके संस्कार था यहाँ, वो हम लोगों को अच्छी राय देते थे क्योंकि हमसे छोटे होने के बाद भी, और समाज में जो क्रेडिट या जो व्यवहार वो बनाए थे अपना, उसका तो कुछ कह नहीं सकते हम। अब सूचना मिल गई आप लोगों को पूरी? जी अभी मिली हम लोगों को सूचना। तो देखिए पूर्णिमा, हम आपको यहाँ पे तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये इनका घर है शशांक सिंह का, जहाँ पर तमाम वो लोग आसपास के आए हुए हैं जो इनके रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, और गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनके भाई यहाँ पर आए हुए हैं, इनके भाई जो सगे भाई हम उनसे टीवी पर दिखाते हैं। आप उनके छोटे भाई, आप कहाँ पर थे, आपसे बातचीत हुई थी उनसे? जी हाँ, मैं भी आर्मी की तैयारी करता हूँ, बनारस बिहार से मैंने भी दौड़ निकाला है। मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा, भाई का अधूरा मतलब मैं स्वयं जाके पूरा करूं उसी सेक्टर पर जाके जिस सेक्टर पर मेरे भैया थे। देखिए इनका कहना है कि भाई का अधूरा बदला ये खुद जाकर पूरा करेंगे, सेना में जाएंगे, लेकिन साथ ही दुख के साथ साथ गर्व का ये एहसास भी है। और ये कहना है कि भाई का जो अधूरा सपना है मैं वो पूरा करूंगा। जिसका बच्चा है वो ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को फिर से आर्मी में भेजूंगा ताकि पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके, लेकिन आंख में आंसू है, गम है, और ये तस्वीरें बहुत बहुत दुख देती हैं जब भी हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद हैं, खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हैं श्रीनगर से, और साथ ही हमारे साथ जीडी बख्शी भी मौजूद हैं। जीडी बख्शी सर, लांस नायक हेमराज का नाम हमें याद है, सुधाकर सिंह का नाम हमें याद है, कैप्टन सौरभ कालिया हमें याद है, और ठीक 24 दिन पहले मनदीप के शव को शत विक्षत कर दिया गया। जनरल हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम बार बार कहते हैं हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को, उसकी इस कायराना करतूत का जवाब दिया जाएगा, लेकिन कैसे कि ये घटनाएं रुके? देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि 30 साल तक तो हमारे देश ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी थी, और इसके पश्चात अभी सितंबर के महीने में हमने जो है हिम्मत करके वापस एक पलटवार किया, जो कि आपकी सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसमें कोई 40 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए गए हैं। यहां लोगों में एक भावना थी कि बस ये काफी है, एक ही सर्जिकल स्ट्राइक से 30 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। ये महज बकवास है, पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्राइक से नहीं मानने वाला, ये मैंने उस दिन कह दिया था। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो थी केवल एक वार्निंग थी पाकिस्तान को कि अब जो ये लक्ष्मण रेखा है सीमा रेखा की, वो अब नहीं बरकरार रहेगी। अगर पाकिस्तान जब चाहे जहां चाहे उसे पार कर सकता है तो हम भी पार कर सकते हैं, और हम भी जो है पलटवार करके उसके लिए कीमत बढ़ाएंगे। फिर जो है पाकिस्तान ने पहले तो झूठ बोला कि साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, और उसके एक महीने बाद जनरल राहिल शरीफ जो तिलमिलाए हुए थे उन्होंने फायर असॉल्ट शुरू किया, हमारे कोई 70 पोस्ट और 40 गांव को टारगेट किया,
और हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई वो एस्केलेशन ना हो ज्यादा, इसको इसके मद्देनजर रखते हुए मैचिंग हथियारों से हुई। अगर वो स्मॉल आर्म्स और मॉर्टर से फायर कर रहा था तो हमने स्मॉल आर्म मॉर्टर से फायर का जवाब दिया। अब रिक्वायरमेंट ये है, साफ जाहिर है कि हमको पाकिस्तान के ऊपर बराबरी का नहीं जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तोपों से, मीडियम गनों से और जो आपके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये किस दिन के लिए हमारी फौज ने पाल के रखे हैं, और इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। खासकर वो यूनिट जिन्होंने ये कार्रवाई करी है उनको तो खास ढूंढ कर जो है निस्तनाभूत करना चाहिए। जीने बख्शी जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, ये हमने तमाम डिफेंस एक्सपर्ट से भी जब बात की, उनका भी यही कहना था कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक से 10 कदम 20 कदम आगे बढ़ना होगा, नहीं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री इस तरह की रही है कि वो मानेगा नहीं, और एक सर्जिकल स्ट्राइक शायद उसे काफी नहीं लग रही है।